हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए ये पोचू बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको दो कलर की वेलवेट का कपड़ा, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोचू बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए, इसके साथ में मैंने ये कैप बनाई है। और इस पोचू की एक क्वालिटी है, ये देखिए, इसको आप किसी भी साइड से पहना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे पलट दिया तो ये रेड कलर का हो गया, और ऐसे मैंने आपको अभी दिखाया ही है ये येलो कलर का। इसी तरीके से कैप को भी अगर आप इस तरीके से पलट देंगे तो ये देखिए, ये रेड कलर की हो गई। आप इस साइड से भी पहना सकते हैं और इस साइड से भी पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोचू बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोचू और कैप बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोचू बनाने के लिए मैंने येलो कलर के वेलवेट के कपड़े में से दो 5x5 के स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। और इसी तरीके से मैंने इस कार्टून वाले कपड़े में से, ये भी वेलवेट का ही कपड़ा है, 5x5 के दो स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से उल्टा करके रखना है और यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से इस पीस की भी कटिंग कर लेंगे और इनकी भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इन चारों पीसों की कटिंग कर ली है। हमें क्या करना है, एक रेड पीस लेना है, दूसरा येलो पीस लेना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। ये देखिए, दोनों पीसों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से ये दोनों पीस भी तैयार कर लेने हैं। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों पीस सिलाई लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से खोल लेना है। ऐसे ही इसको भी खोल लेंगे और ये देखिए, इस तरीके से इसको रखेंगे। और ये जो सिलाइयाँ हैं, ये दोनों आमने सामने रहनी चाहिए इस तरीके से। इस तरीके से इन दोनों को आपस में रखने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ इनको मिलाते जाएंगे इस तरीके से, यहाँ यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है। और फिर इस तरीके से इसको घुमाएंगे। ये वाला पोर्शन जो हमने कट कर रख के रखा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को अटैच कर दिया है। अब हम इनको सीधा कर लेंगे।
अब हम इसकी यहाँ से थोड़ी सी और कटिंग करेंगे जिससे कि ये हमारे कान्हा जी के गर्दन में अच्छे से आ जाए। ये देखिए कटिंग ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी ही करनी है। इसी तरीके से इस साइड से भी कर लेंगे। तो ये देखिए ये कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है। ऐसे पकड़ते हुए यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको सेट कर देना है। पूरे में किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्या करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको सेट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है, ये वाला पोर्शन इस तरीके से फोल्ड करना है, रेड वाला, और येलो वाला पोर्शन भी अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर दिया है। इस तरीके से हमारा ये पोंचू बनकर तैयार हो गया। ये देखिए आप इसको दोनों साइड किसी भी साइड से पहना सकते हैं। ये देखिए रेड कलर का मन हो तो आप इस साइड से पहना लें, और येलो का मन हो तो आप इस साइड से पहना लें। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए आप अपने कान्हा जी के सर का वो हिस्सा नाप लें जिसमें हम कैप पहनाते हैं, और उसमें आधा इंच प्लस करके एक पट्टी कट कर लें। ये देखिए मैंने दोनों कलर के कपड़ों में से पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं, और इनकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, लंबाई मैंने अपने कान्हा जी के सर के अकॉर्डिंग ले ली है। अब हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से रखना है। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इनको टच कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इनको टच कर लिया है। अब हम इनको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए रेड कलर मैंने अंदर कर दिया और येलो कलर मेरा बाहर रह गया। अब हमें क्या करना है, सुई धागा लेना है, और सुई धागे की हेल्प से हमें यहाँ से इसको सिलना है। छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। अब ये टाके इस तरीके से खींच देंगे और इस तरीके से इसको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे लपेटेंगे। और नॉट लगाकर ये धागा कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी बहुत छोटी सी कैप बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत प्यारी लग रही है। इसको भी हम दोनों साइडों से पहना सकते हैं। ये देखिए रेड कलर से पहनाना हो तो इस तरह से पहना लें, और येलो कलर से ऐसे। तो फ्रेंड्स ये रिवर्सिबल पोंचू बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोंचू और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आई और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।